जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तुशास्त्र की सीरीज के अंतर्गत, इस श्रृंखला के अंतर्गत अपन वास्तु फ्रॉम शास्त्र, इसको देखने का समझने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें आज 17वां पाठ 17th लेसन और उसमें अपन आकार को आगे देखने का समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसको अपन जितना भी ये अपन स्टडी कर रहे हैं अभी शेप्स के अंतर्गत, आकार के अंतर्गत, आकार की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके गुण के अंतर्गत, उसको अपन मैथमेटिकल वास्तु कह सकते हैं। वास्तु को यदि अपन डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करें तो अपन ये कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स इन वास्तु या मैथमेटिकल वास्तु। इसमें अभी अपन शेप को देख रहे हैं, शेप को। मैथमेटिकल वास्तु में जब अपन जाते हैं तो मैथमेटिक्स के अंतर्गत, मैथमेटिक्स की जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, अंक गणित है, बीज गणित है, रेखा गणित है, ऐसी ब्रांचेस है मैथमेटिक्स की, जिसको अपन अरिथमेटिक्स, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टेटिस्टिक्स आदि के नाम से जानते हैं। तो वास्तु में अपन अरिथमेटिक देखेंगे, डिफरेंट कैलकुलेशंस देखेंगे कि कोई भी भवन बनाना है उसमें कितनी सामग्री लगेगी, कितनी ईंट लगेगी, ये जो डोर फ्रेम, तो चाहे वो डोर फ्रेम हो चाहे विंडो की फ्रेम हो, वो जो लकड़ी उसमें लगती है वो बाज़ार में घन फिट में मिलती है, क्यूबिक फिट में मिलती है। उसका रेट जो है सामान्य रूप से जो इमारती लकड़ी है जो भवन निर्माण में प्रयोग में लाई जाती है, जैसे सागवान है, शीशम है, अन्य प्रकार की जो लकड़ी है फर्नीचर आदि के उपयोग में जो आती है, वो क्यूबिक फिट या घन फिट में मिलती है सामान्य रूप से। तो अपने को वो कैलकुलेशन करते आना चाहिए कि जैसे 7 फिट बाय 3 फिट की फ्रेम है, 4 बाय 2.5 की लकड़ी है, 4 इंच बाय 2.5 इंचेस की, तो एक फ्रेम में, एक डोर फ्रेम में कितने क्यूबिक फिट लकड़ी लगेगी और यदि उसका कुछ रेट है तो वो कितने की एक फ्रेम पड़ेगी, एंड सो ऑन। इसी प्रकार एक स्क्वायर फिट में यदि हम आधी ईंट की जुड़ाई करते हैं 4.5 इंच की, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 5-6 इंच हो जाती है प्लास्टर करने के बाद, तो जब हम एक दीवार बनाएंगे तो उसमें कितनी ईंट लगेगी, एंड सो ऑन। तो ये जितनी भी कैलकुलेशन है वो सारी अरिथमेटिक में आती है। इसी प्रकार एलजेब्रा है, इसी प्रकार ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री को अपन स्टडी कर रहे हैं, शेप्स को, ये ज्योमेट्री के अंतर्गत आता है, रेखा गणित में आता है। तो वास्तु में, मैथमेटिकल वास्तु में अपन ये देखेंगे कि शेप्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, आयादिक के जो फार्मूलाज हैं जिससे अपन लेंथ, विड्थ, हाइट, सर्कमफेरेंस, थिकनेस, वो सब फाइंड आउट करते हैं, वो पूरा मैथमेटिक्स है। डिफरेंट टाइप्स का जो पदविन्यास है किसी भी साइड को, सेक्शन को, डिफरेंट जोन में, चाहे वो 4 दिशा में डिवाइड करो, 8 में करो, 16 में करो, 32 में करो, चाहे पूरा पदविन्यास बनाओ 8 बाय 8 का, 9 बाय 9 का, ये पूरा जो है ये गणितीय कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो इसमें अपन आयादि वास्तु में ये सब स्टडी करने वाले हैं, अपन मैथमेटिकल वास्तु में ये सब स्टडी करने वाले हैं। फिर वो जो द्वार के सामने, मुख्य द्वार के सामने जो वेद होता है वृक्ष आदि का, तो वो कितनी दूर तक वो इफेक्टिव रहता है, उसकी डिस्टेंस क्या होती है, ये सब ट्रिग्नोमेट्री से फाइंड आउट करते हैं। तो मैथमेटिकल वास्तु के अंतर्गत अपन ये सब चीज़ देखेंगे। अभी जो स्टडी कर रहे हैं अपन, चाहे उसको ज्योमेट्रिकल वास्तु कह लो, कि आकार का क्या प्रभाव होता है, उसको अपन देख समझ रहे हैं, जान रहे हैं। पिछली 2 इकाई में शेप्स के गुण देख रहे थे, उसी को अब आगे बढ़ाते हैं। अपन पहले देख चुके हैं कि भूमि के आकार के माध्यम से आकार के गुण बताएं। अब विश्व कर्म प्रकाश ग्रंथ के आधार पर विभिन्न शेप्स की प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं।
तो कहा जो चौकोर आकार है, चौकोर शेप से स्क्वायर है, वर्गाकार है, वो बहुत धान्य देता है, मतलब बहुत प्रकार से शुभ है। उसके जो अपन डिकोड करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो मन में जो विचार आता है वो इस प्रकार आता है कि ये चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति कराता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जैसे जब ये कहेंगे कि मनुष्य के जो चार पुरुषार्थ हैं और वास्तु के माध्यम से यदि पुरुषार्थ की प्राप्ति करना हो तो कौन सा आकार सबसे अच्छा है, तो कहेंगे वर्गाकार, कीपिंग अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट। जो मैथमेटिक्स वाले हैं वो जानते हैं कि शब्द का क्या मीनिंग होता है, क्या महत्व होता है। तो वर्गाकार जो भूमि है, वर्गाकार जो शेप है, आकार है, वर्ग का, स्क्वायर का, वो चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति कराता है। विश्वकर्म प्रकाश में कहा है कि बहुत धान्य देता है। फिर हाथी का आकार बताया, उनका तात्पर्य रेक्टेंगुलर शेप से है कि जो रेक्टेंगुलर शेप से ऑफकोर्स एक राइट प्रपोर्शन में, तो वो वेल्थ देता है, धन देता है। सिंह के आकार की जो भूमि होती है उसकी प्रॉपर्टीज है वो गुणवान पुत्रों को देती है। जो वृक्ष के आकार की भूमि है वो पशुओं की वृद्धि कराती है, वो वेल्थ देती है राधर। फिर सर्कुलर को यहाँ शुभ बताया, कुछ ग्रंथों में उसको लेकर अशुभ भी कह देते हैं, लेकिन अपने को ये ध्यान में रखना चाहिए कि अपने यहाँ जो स्टाइल्स हैं, शैलियाँ हैं, आधुनिक समय में जो पढ़ाते हैं क्लासिफाइड करके, नागर, वेसर और द्राविड़, तो उसमें एक वर्गाकार भी शैली है। तो जिन भवनों का आकार बहुत बड़ा हो वो वृत्त में जा सकते हैं, शास्त्रीय आधार पर बता रहे हैं। रेफरेंस क्या है? विश्वकर्म प्रकाश। उसी प्रकार भद्रपीठ के समान जो भूमि है, ये ऑस्पिशियस शेप है, ये भी वेल्थ देती। त्रिशूल के जो शेप्स है उससे चाइल्ड जो है वो एग्रेसिव होते हैं लेकिन वेल्दी और हैप्पी होते हैं। एग्रेसिवनेस की प्रॉपर्टीज को जो बढ़ाती है वो त्रिशूल के आकार की भूमि है। लिंग के आकार की जो भूमि है वो सन्यासियों के लिए, साधुओं के लिए श्रेष्ठ है। हम पहले कह चुके हैं कि भूमि के आकार के माध्यम से आकार के गुण बताए, सन्यासियों के लिए आकार शुभ। फ्लैग जो है वो पदोन्नति यानी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। घड़े के समान जो शेप से वो धन बढ़ाता है। त्रिकोण को अशुभ कहा है, शक्टाकार को अशुभ कहा है कि त्रिकोणाकार भूमि से पुत्र की हानि, और गाड़ी के समान जो भूमि है उससे सुख की हानि होती है। उसके बाद अन्य अशुभ आकार के संदर्भ में कहते हैं कि सूपड़े का, पंखे का, मृदंग का, सांप मेंढक का, गधे का, ये जो आकार है ये अशुभ है, इनसे धन की, धर्म की, वंश की हानि होती है। सांप जैसा आकार हो तो भय होता है, गधे जैसा आकार का प्रयोग करते हैं तो दरिद्रता लाता है। तात्पर्य कहने का क्या है कि ऐसी ड्राइंग, पेंटिंग, फोटो, पिक्चर भी यदि हम इस आकार की लगाएंगे तो उनके यही गुण होते हैं। तो इस प्रकार से अपन शेप्स की प्रॉपर्टीज को विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ के आधार पर संक्षेप में देखने का प्रयास कर रहे हैं। आगामी पाठ में, इकाई में इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे और मैथमेटिकल वास्तु के अंतर्गत डिफरेंट शेप्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज होती हैं उसको देखेंगे। कंसल्टेंसी करते समय हमें पूरे क्षेत्र का आकार, जो भवन का है, बिल्डिंग का है, स्ट्रक्चर का है, कॉलोनी का है जिसमें व्यक्ति निवास करता है, उसको देखना चाहिए। कम से कम उस बिल्डिंग का तो शेप्स और प्लॉट का देखना ही चाहिए जितना उस व्यक्ति के पोजीशन में है। अपन पहले देख चुके हैं कि अपन आँख से लगभग 75% नॉलेज रिसीव करते हैं, और आकार से, आँख से हमको दिखता है आकार और रंग और विषय वस्तु, तो लगभग इतना ही प्रतिशत असर आकार का, रंग का और विषय वस्तु का होता है, वो आंतरिक सज्जा में देखेंगे। अभी इतने कह के वाणी को विराम देते हैं, आगामी पाठ में इसी विषय को और आगे बढ़ाएंगे। उद्देश्य यही था कि कंसल्टेंसी जब भी अपन करते हैं
तो शेप्स का भी ध्यान रखना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।